સુરતનો કાપડ ઉદ્યોગ છેલ્લા 2 વર્ષથી કારમી મંદીમાં સપડાયો છે. સામાન્ય દિવસોમાં કાપડનું ઉત્પાદન 2.50 કરોડ મીટર થતું હતું, જે તહેવારના સમયમાં તેનું ઉત્પાદન 4 કરોડ મીટરે પહોંચી જતું હતું. પરંતુ આ વખતે વેપારીઓ કોઈ પણ પ્રકારનું રિસ્ક લેવા માંગતા નથી. દિવાળી અને લગ્નની સિઝનોમાં છતાં હાલ સુરતમાં કાપડ ઉત્પાદકો માત્ર દૈનિક 1 કરોડ મીટરનું કાપડનું જ ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે, એટલે કે કાપડના ઉત્પાદનમાં 60% જેટલો કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. હાલ વેપારીઓ ઓનલાઈન પણ કાપડનું વેચાણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમાં પણ ઘણા જોખમ રહેલા છે. ઓનલાઈન સભી લોગ તો નહીં કર પા રહે હૈ, કુછ લોગ કર રહે હૈ, ચાહે વો ફેસબુક કે દ્વારા હો, વોટ્સએપ કે દ્વારા હો, યા અધર બહોત સી સાઇટ હૈ ઉસકે દ્વારા હો. लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में भी देखो बहुत से थ्रेट्स है, जैसे पेमेंट का हो गया या रिटर्न गुड्स का हो गया, बहुत सा कैश ऑन डिलीवरी चलता है मोस्ट ऑफ. तो हमने भेजा कुछ पार्टी को पसंद नहीं आया या आपने कुछ गलत माल भेज दिया, उसके कारण रिटर्न बहुत आता है और पेमेंट के बहुत लफड़े होते हैं, इसलिए उसमें भी काफ़ी चल गई. लेकिन जैसे ही नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली के आई सीजन, तो उस टाइम कोरोना भी कम हो गया और गाँव में कोरोना नहीं होने से डिमांड बढ़ी और सिंथेटिक कपड़ा गाँव में चलता है, तो हमारा कपड़ा इतना चला कि 7 से 7.5 हज़ार का कारोबार कर लिया. वो ऐसे कर लिया कि लोगों के पास डेढ़ स्टॉक पड़ा था, कई सालों का स्टॉक पड़ा था, 2 साल 3 साल, वो भी निकल गया, तो व्यापारी जिंदा हो गए. लेकिन इस बार दूसरी लहर के बाद में हम ये सोच रहे थे कि अभी कोरोना की लहर देश में कम हुई है, लेकिन 2 राज्यों के अंदर आने से हमें ये वापस भय हो गया कि पिछली साल जो हमने 7.5 हज़ार का कारोबार किया वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भय की वजह से हम माल ही कम बना रहे हैं इस बार.